नमस्कार दोस्तों, एनटीडी लॉ के ऑनलाइन लॉ प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन इमरजेंसी प्रोविजंस पर रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिया गया है। दोस्तों, इमरजेंसी के टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, उसके बाद हर एक टाइप ऑफ इमरजेंसी के कंडीशंस जिसमें वो इमरजेंसी लगती है, हर एक इमरजेंसी की ड्यूरेशन, और इसी के साथ हम देखेंगे इंडिया में हर एक टाइप ऑफ इमरजेंसी की हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और कुछ अमेंडमेंट्स। हम शुरुआत करते हैं इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट से। दोस्तों, इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, और इन परिस्थितियों में जरूरत पड़ती है कि हम अपने गवर्नमेंटल मशीनरी को रीएडजस्ट करें, और इमरजेंसी के प्रोविजंस इसी रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ये रीएडजस्टमेंट मेनली दो एस्पेक्ट्स में होती है। पहला एस्पेक्ट है दैट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। दूसरा, उसका इंपैक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पे। अगर हम सिंपली समझें तो फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह से बदलता है कि हमारा जो फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारा वैसे फेडरल स्ट्रक्चर है जहां सेंटर और स्टेट में डिविजन होती है, वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स आपको कुछ कम अवेलेबल होते हैं। दैट मींस देयर इज अ पार्शियल डेप्रिवेशन, मतलब थोड़ा सा आपको फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव किया जाता है। ये दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि सिचुएशन ऑर्डिनरी नहीं है और उससे लड़ने के लिए इन चेंजेस की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एज यू कैन सी। पहला है जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो कि दिया गया है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है अंडर आर्टिकल 356, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है और कई बार स्टेट इमरजेंसी भी। द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज गिवन अंडर आर्टिकल 360, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम विद नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों, आर्टिकल 352 में आपको ये शब्द नेशनल इमरजेंसी नहीं मिलेगा। इंस्टेड आपको आर्टिकल 352 में मिलेगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, ये कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये प्रोक्लेमेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे एक रिकमेंडेशन नहीं मिलता। किससे? बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रिकमेंड ना करे, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकता। अब ये प्रोक्लेमेशन किन परिस्थितियों में हो सकती है, उसके लिए हम देखेंगे ग्राउंड्स। तो दोस्तों, आर्टिकल 352 आपको 3 ऐसे ग्राउंड्स या फिर कंडीशंस देता है जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है। पहला है वॉर, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जरूरी नहीं कि ये घटनाएं एक्चुअली घट जाएं, ये उसके पहले भी हो सकती हैं, उसके बिफोर भी, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इन सिचुएशंस का थ्रेट है। सो इफ द प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट देयर इज अ थ्रेट, देन ही कैन प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर दीज अकर। दोस्तों, इन तीनों कंडीशंस में से शायद ये तो क्लियर है कि जो कंडीशंस 1 एंड 2 हैं, वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन,
ये रिलेट करते हैं किसी एक्सटर्नल एंटिटी से, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब किसी फॉरेन कंट्री के थ्रेट की वजह से, और ये जो आर्म्ड रिबेलियन है ये डील करता है विद समथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन इंडिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, वॉर एक सिचुएशन होती है जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे से लड़ते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द वॉर जो जीतता है, जो विजयी होता है, जो विक्टर होता है, वो डिसाइड करता है कि वॉर के बाद की जो पीस होगी वो किस टर्म्स पे होगी। मतलब वॉर एक ऐसी चीज है जहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन एक्सटर्नल अग्रेशन में बोथ कंट्रीज के लड़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी एक कंट्री ने भी, यानी वन ऑफ द कंट्रीज दूसरे कंट्री को अटैक करती है तो वो एक्सटर्नल अग्रेशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया को पाकिस्तान अटैक करती है और इंडिया उस पर रेस्पॉन्स नहीं देती तो ऐसी सिचुएशन एक्सटर्नल अग्रेशन कहलाएगी। अब हम देखते हैं आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन होता है सशस्त्र विद्रोह, इट्स अ रिबेलियन जिसमें शस्त्रों का प्रयोग किया गया है, जहां पर आर्म्स का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये शब्द आर्म्ड रिबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। उसके पहले जो वर्ड यूज हुआ था दैट वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन के बारे में। देखिए एक बार प्रोक्लेम हो जाए तो उसकी ड्यूरेशन है 1 महीना, 1 month, अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। मतलब अगर दोनों हाउसेस ने प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव नहीं किया तो वो सिर्फ 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए ये अप्रूव हो जाती है, अगर ये अप्रूव होती है तो इसकी ड्यूरेशन होती है 6 months, और 6 months के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर इसे एक्सटेंड करना हो तो इसे 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसका प्रोसेस सेम रहेगा कि इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमने क्या देखा कि एक नेशनल इमरजेंसी एक बार प्रोक्लेम हो जाए तो वो 1 महीना चलेगी, अगर उसे बढ़ाना हो तो उसको दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा, अगर उसे अप्रूवल मिलती है तो वो 6 months तक रहती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अगर हमें इस 6 months के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करना हो तो इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इस तरह से इसको 6 months और मिल जाते हैं और इस तरह से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसे खत्म करने का एक और तरीका भी है, और वो है कि प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को रिवोक कर ले। दोस्तों अब हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका प्रभाव सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर पड़ता है। हम जानते हैं कि इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में एक फेडरल रिलेशनशिप है। इसका मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ये अफेक्ट होते हैं और ये जो रिलेशनशिप है इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए हमने कहा था कि जो फेडरल फॉर्म है वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स अ यूनिटरी फॉर्म, जहां पर सेंटर स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें ये दिखता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। इसका मतलब अब पार्लियामेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी लेजिस्लेट कर सकता है जो कि स्टेट लिस्ट में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी चेंज हो जाता है और इसका कंट्रोल यूनियन के पास बढ़ जाता है। दूसरा इसका इफेक्ट आता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्शियली सस्पेंड हो जाते हैं
all fundamental rights except Article 20 and 21 can be suspended. तो ये था नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट। दोस्तों, इंडिया के पूरे हिस्ट्री में नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 बार डिक्लेयर हुई है। सबसे पहला जब चाइना ने इंडिया को अटैक किया था, तो इमरजेंसी 1962 में डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक किया, और तीसरा और शायद सबसे फेमस ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1975 टिल 1977। दोस्तों, हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होने के लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए थे। हमने 3 कंडीशंस देखे थे, तो हम जरा देखते हैं कि किन कंडीशंस में, किन ग्राउंड्स पर ये इमरजेंसीज प्रोक्लेम हुई थी। तो ये जो पहले दोनों है 1962 और 1971, ये प्रोक्लेम हुए थे ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। और ये जो थर्ड वन है 1975, ये प्रोक्लेम हुआ था ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। दोस्तों, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस अब आपको आर्टिकल 352 में नहीं मिलेगा। इसके जगह आपको क्या मिलता है? आपको अभी मिलेगा तीसरा ग्राउंड, आर्म्ड रिबेलियन। दोस्तों, दरअसल ये आर्म्ड रिबेलियन आया था बाय एन अमेंडमेंट, जिससे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया था बाय आर्म्ड रिबेलियन। ये आया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो दोस्तों, ये जो 44th अमेंडमेंट आई थी, इसका रीजन यही था कि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड था वो दोबारा मिसयूज ना हो, जिस तरह से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। इनफैक्ट इट इज बिकॉज ऑफ दिस 44th अमेंडमेंट जो एक रिक्वायरमेंट आई थी कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेम करने से पहले रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए बाय द कैबिनेट। उसके पहले, इस अमेंडमेंट से पहले, ये रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ द 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इस थर्ड इमरजेंसी की वजह से आई थी। दोस्तों, इसी के साथ पार्ट वन ऑफ द वीडियो समाप्त होता है। इस पार्ट में हमने आर्टिकल 352, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, हमने पढ़ा। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 356, जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बताता है, और आर्टिकल 360, जहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। दोस्तों, आप पार्ट टू ऑफ द इमरजेंसी वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।